स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर दूर भाला फेंका और फाइनल में जगह पक्की कर ली है। नीरज के साथ डीपी मनु भी एक ग्रुप ए में है, जबकि ग्रुप बी में किशोर जेना के एकमात्र भारतीय है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन में 85 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंकने के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफायर कर लिया है। पेरिस ओलंपिक पे जगह बनाने के लिए आपको कम से कम 85.50 मीटर की दूरी हासिल करना जरूरी होता है और नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर का भाला फेंका और दूरी हासिल कर ली है। नीरज के साथ डीपी मनु ने भी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर कर लिया है। तीन प्रयास में उनका सबसे बेहतरीन स्कोर 81.31 मीटर का रहा, जो उन्होंने दूसरे प्रयास में हासिल किया। पहले प्रयास में उन्होंने 78.10 मीटर और तीसरे प्रयास में 72.40 मीटर की दूरी हासिल की। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए कम से कम 83 मीटर की दूर भाला फेंकना जरूरी होता है या ग्रुप में टॉप एथलीट में रहना जरूरी है। नीरज ने पहले ही प्रयास में 83 मीटर से ज्यादा दूरी हासिल की और फाइनल में जगह बनाई। नीरज के अलावा कोई भी एथलीट पहले प्रयास में 83 मीटर की दूरी हासिल नहीं कर सका है। इस सीजन में नीरज चोपड़ा का सबसे बेहतर स्कोर है। चोट से वापसी करने के बाद लुसाने डायमंड लीग में वह लय में नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस प्रतियोगिता में वह अपने पहले ही थ्रो में शानदार दूरी हासिल करने में सफल रहे। एक ही थ्रो के दम पर उन्होंने चैंपियनशिप के फाइनल और ओलंपिक में जगह बना ली है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के क्वालिफायर राउंड में कुल 27 एथलीट शामिल हुए, इनमें से 12 एथलीट ने फाइनल में जगह बनाई। नीरज चोपड़ा फाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाले पहले एथलीट रहे।